गुजरात के स्थापना दिन है आज। आज गुजरात का जन्मदिन है। गुजरात के स्थापना दिन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस लाइव सेशन में। सभी गुजरातियों को गुजरात स्थापना दिन की मुबारक। बिराला लालू जी, शैलेश भैया, लालू समेकित, बीज भंडार वाले हैं हमारे लालू जी। चलो अच्छा है जो साथियों जुड़ रहे हैं। हाँ निर्मल नायक जी नमस्ते। तो आज गुजरात का स्थापना दिन भी है। बृहद मुंबई से गुजरात का राज्य आज के दिन अलग हुआ था। और हमारे कई सपूत को हम आज के दिन इंदु चाचा याग्निक है उन सभी को दिल से याद करते हैं। और आज विश्व श्रमिक दिन भी है, लेबर डे। यानी कि हम सब श्रमिक तो है, कोई दिमाग से श्रम करता है तो कोई शरीर से श्रम करता है। तो हम सब श्रमिकों का भी आज दिन है। जो वेतन लेते हैं वो सभी श्रमिक माने जाएंगे। सतीश भैया नमस्ते, आरपी पटेल साहब नमस्ते। कल बीच की बात थोड़ी हो रही थी और मेरा वो नेट खत्म हो चुका था तो बात थोड़ी वहीं से अधूरी रह गई थी बीच के बारे में। डॉक्टर क्षमा पटेल वेलकम। तो बीज की मोटे तौर पर थोड़ा बहुत कुछ कल बात हो चुकी थी। मनुस्मृति का एक श्लोक मैंने आज ले लिया है बीजों की बात करने से पहले। वह उस श्लोक की मैं आपको पढ़ के दिखाता हूँ। वहाँ कहा गया, अक्षेत्रे बीज मृत्युष्णम अंतरेव विनश्यति। अक्षेत्रे स्पष्ट किया गया है कि अनुयुक्त भूमि में, मतलब अक्षेत्र, क्षेत्र एटले शरीर, क्षेत्र एटले भूमि। क्षेत्र का माना आप कोई भी ले लीजिए, जहाँ बीज डालने की कोई भी प्रक्रिया हो वो सभी को हम क्षेत्र मानेंगे। ये भी तो क्षेत्र है। श्री का शरीर भूमि माना गया है, क्षेत्र माना गया। तो वहां पर ऐसा कहा गया कि अगर अभूमि है, अनुयुक्त जो मतलब फर्टिलाइट नहीं है, उसकी फर्टिलिटी कम है, उसमें बीज पैदा होने वाली क्षमता नहीं है, वहीं पर डाला गया बीज, विनश्यति, हमेशा नाश पामे थे। संस्कृत शब्द है विनश्यति। राकेश भाई, सुनील भाई, अनिरुद्ध भाई, सुनील भाई नमस्ते। फिर एक दूसरा सूत्र है उसमें, अबीजक अबीजकम अपि क्षेत्रम केवलम स्तांडिल्यम भवेता। बहुत अच्छा सूत्र, अबीजक अपि क्षेत्रम केवलम स्थांडिल्यम भवेद। क्षेत्र कितना भी अच्छा हो, अपने का खेत कितना भी फलद्रुप हो, कितना भी अच्छा हो, कितना भी अच्छा पानी दे रहे हो, कितना भी अच्छा उनका सिर और सुन्न हो। सिर सुन्न का मतलब तो हम पहले पढ़ चुके हैं वेदों में, मतलब कृषि का मालिक और कृषि में काम करने वाले दोनों, सिर और सुन्न। कितने भी अच्छे हो पर अगर बीज अबीज है, बीज अच्छा नहीं है, तो वो लोथड़ी बनकर रह जाते हैं, मतलब वो लाश बनकर रह जाते हैं, उगते ही नहीं। आखिर में लिखा है सुबीजम सुक्षेत्रम जायते संवर्धते हैं, मनुस्मृति में लिखा है। बहुत ही अच्छी बात है। अर्थात केवल सुबीज अर्थात अच्छे बीज, सुक्षेत्र, क्षेत्र तो सही पर उसमें सुक्षेत्र शब्द है, मतलब अच्छा क्षेत्र हो जिसमें पानी का प्रबंध हो, जिनमें अच्छे से अच्छे उर्वरकता हो, फर्टिलिटी हो पैदावार करने की, उनमें डाला गया बीज ही हमेशा भरपूर उत्पादन दे सकता है। यह दो शब्द आया, सुबीजम और सुक्षेत्रम। सुक्षेत्र की बात तो हम पहले क्षेत्र में कर लिया, अब सुबीज की बात करने की थोड़ी बहुत बाकी रह गई। सुबीज का मतलब अच्छा बीज, और अच्छा बीज मतलब अच्छा बीज की व्याख्या क्या है, हम उसकी आवश्यकता को देखेंगे। तो बीज के बारे में एक कहावत है हिंदी में मित्रों,
पंकज भाई नमस्ते, मनोज भाई नमस्ते, रुतुल कुमार, प्रवीणा दीदी नमस्ते। प्लीज थोड़ा शेयर करें। हिंदी में एक कहावत है, बीज खरा तो भरा भंडार, बीज खरा तो भंडार भरा। मतलब आपके पास बीज खरा है, अच्छा है, सच्चा है, तो आपके वहाँ भंडारों की कमी नहीं रहेगी, पूरा भंडार भरा रहेगा। बीज की एक व्याख्या में बता दूं, ऐसा परिपक्व भ्रूण जिसमें पौधा छिपा हो और पौधे के आरंभिक की पोषण के लिए सभी खाद्य सामग्री हो और कवच से मतलब सेल से ढका हो, उसको अनुकूल परिस्थिति में पौधा पैदा करने की क्षमता हो, उसे बीज कहते हैं। तो ये बीज की व्याख्या हुई। परिपक्व भ्रूण होना चाहिए, मतलब कच्चा होगा तो नहीं उगेगा, दीमक लगा हुआ, धूप लगा हुआ का तो नहीं। परिपक्व, ऐसा परिपक्व भ्रूण होना चाहिए जिसके अंदर उसको प्रारंभिक अवस्था में जो पोषण मिलना चाहिए वो होता है और अपना रक्षण से ढका हुआ होता है। ये बात बहुत समझने वाली बात, क्योंकि बीज शुरुआती तौर में, गेहूं की हम मोटे तौर पर बात कर लेंगे, गेहूं मेरे प्रिय पाक है, गेहूं में शुरुआती तौर पे दो मुछ निकलती, मुछ वाली तंतु निकलेगी और वो सिर्फ शुरुआती दौरों में भूमि से सिर्फ पानी लेता है, सिर्फ पानी लेता है। समझने की बात, हर हर पाक में होता है, जो पानी वाले मूल होते हैं शुरुआत के अंदर सिर्फ पानी लेते हैं, उसको बाहर फूटने तक आने के बाद एक दो पत्ती छोटे छोटे होने तक बीज अपने अंदर रहा, अपने पास रहा, आहार सामग्री का ही यूज करता है, भूमि से वो काफी कम लेता है। और गेहूं में 21 दिन के बाद मुकुट अवस्था के आते हैं, मूल आते हैं, 19 से 21 25 दिन तक वहीं पर नए मूल आते हैं और नए मूल जो होते हैं आहार के मूल होते हैं। इस तौर पर मोटे तौर पर एक बात बताएं आपको कि बच्चा जब पैदा होता है तो उसके उसके एक नए दांत होते हैं जिसको गुजराती में दूधिया दांत बोलते हैं, दूध के। फिर जैसे जैसे वो भोजन की ओर आगे बढ़ेगा तो वो दांत गिर जाते हैं और नए दांत आने लगते हैं। पाक में भी सिर्फ यही है, क्रॉप में भी होते हैं, शुरुआत के उसके मूल जो होते हैं वो बाल मूल होते हैं, उसको कुछ पानी, कुछ आवश्यक चीजें जितनी जरूरी उतनी ही लेता है, बाकी का सब वो अपने गर्भ से पैदा कर लेता है। और गर्भ से पैदा होने के बाद जब वहीं पर आवश्यक पोषक की क्षमता कम हो जाती है तब वो नया नया दांत आते हैं, नया मूल डालते हैं और वहीं से पोषण की क्षमता को शुरू करता है। इसलिए गेहूं में, अगर आपने गेहूं बोया है और गेहूं में 19 दिन से 21 दिन के बीच अगर आपने पानी नहीं दिया, पानी का प्रबंध में हम बाद में देखेंगे, जल प्रबंध में अंबू में, पर अगर पानी नहीं दिया तो गेहूं की खरपतवार में 35% 35% कटाई आती है, उतना पैदावार कम होगी, कम ज्यादा से ज्यादा 35%, कम से कम 10-15%। मतलब पानी का अपना एक प्रबंध है, उस मूल जब आते हैं उसी वक्त 19 से 21 या 25 दिनों तक उसको पानी दे देना चाहिए। तो इस तरह से बीज के अंदर जो चीजें होती है उसको हमने 3 हिस्सों में बांटा है। ये ऋषि ग्रुप पूरा आध्यात्मिक बातों के साथ चलता है, जगदीश भैया है और हमारे साथ जुड़े हुए सब जितने भी मित्रों हैं, आप भी उन ऋषि ग्रुप के हिस्से बनते जा रहे हैं। तो वहीं पर अध्यात्म को हम लोग वेद के साथ चलते हैं और कृषि को अध्यात्म माना है, तो हमने बीजों को भी 3 रूप में बांटा है, ब्रह्मा विष्णु और महेश। समझने वाली बात है, बहुत ही जो समझेंगे अध्यात्म से जुड़े उनको बात पता चलेगी कि बीजों में 3 शक्तियां होती है, ब्रह्मा विष्णु और महेश। ये त्रिशक्ति, ये त्रिदेव जिनमें मिलते हैं वो सुबीज है, समझ लीजिए। सुबीज की व्याख्या इन त्रिदेवों से मिलती है। किसान को अपने भूमि में, अपने खेतों में ही परमात्मा का दर्शन होता है, तो उनमें से सबसे पहले लेंगे उसके ऊपर एक शैल होता है, कवच होता है, रक्षण होता है। जैसे हम नारियल ले लें, नारियल के ऊपर एक मजबूत सा कवच रहेगा, आम की गुठली ले लेंगे उसके ऊपर एक कवच रहेगा, हर बीज के ऊपर एक कवच रहता है और वो कवच क्या करता है, शंकर का काम करता है, शिव का काम करता है, महेश का काम करता है, वो उसको रक्षण देता है बाहरी सभी चीजों से,
उसको रक्षणात्मक काम जो करता है उसका बाहरी आवरण करता है, वो बीज उसके भीतर ही रहता है, उसके अंदर सलामत रहता है। अगर उस सेल को तोड़ दिया जाए तो बीज कितना भी अच्छा होगा उसकी उगने की शक्ति कम हो जाएगी, या तो नहीं उगेगा या शक्ति उसकी क्षीण हो जाएगी। अब मूंग ले लीजिए, उसके ऊपर से छिलका निकाल कर वो ये नहीं उगेगा। अब मूंगफली ले लीजिए, उसके ऊपर से छिलका निकाले फिर वो तो नहीं उगेगी या तो कम उगेगी। तो ऊपर का जो उसका आवरण है वो उसको, अंदर की जो शक्ति है उसको भी संरक्षण काम करता है, बाहर से आने वाली चीजों से भी बचाव करता है। बाहर से आने वाली चीजों में फंगस है, नमी है, धूप है, बाहर के जितने भी आक्रमण है उन सभी से वो रक्षण करता है। तो हमने उसको बाहरी सेल को, बाहरी आवरण को विष्णु यानी शंकर का नाम दिया है, उसका काम है रक्षण करना। उसके बाद उसमें आती है अंकुरण की क्षमता। क्या होता है अंकुरण क्षमता? यह अंकुरण क्षमता है वो है नवसर्जन की कल्पना, नया बनाना, नई चीज को उत्पन्न करना, और वो ब्रह्मा है। क्योंकि सृष्टि की, सृष्टि बनाना, सृष्टि का रचना करना वो ब्रह्म की शक्ति होती है। तो बीज के अंदर जो अंकुरण शक्ति है जिससे वो जर्मिनेट होता है, जिससे वो बाहर निकलता है, वो ब्रह्मा की शक्ति है। और ब्रह्मा की शक्ति इतनी पारावर होती है जो किसान होते हैं उसको पता चलता है, एक छोटा सा बीज का एक ऊपरी कोना इतने बड़े मिट्टी का ढेले को उठाकर बाहर आता है। मतलब जिसको पैदा होना है उसको कोई रोक नहीं पाता, चाहे उस पर कितनी भी मिट्टी लगा दो, कितनी भी धूल लगा दो, वो पैदा होकर ही रहेगा। तो वो ब्रह्मा की शक्ति है, ब्रह्म शक्ति पड़ी हुई। और बीज के अंदर, कोई भी बीज के अंदर जो गुदा है जिसमें पोषक तत्व पड़े हुए हैं, जिसमें सभी मिठास है, पोषक तत्व है, न्यूट्रिशन है, उनको हम जो गुदा बोलते हैं उसको हम विष्णु बोलते हैं। क्योंकि विष्णु का मतलब है पालन पोषण करना, पोषण देना। तो वो गुदा जो है वो बीज को, खाने वालों को और खुद को, सभी को पोषण देता है। जब बीज पैदा होकर अंकुरण होता है तो उसको प्रारंभिक पोषण विष्णु से मिलता है। तो एक ही बीज, अगर आप एक बीज हाथ में ले लीजिए तो उसमें आपको ब्रह्मा विष्णु और महेश का दर्शन हो जाए, समझ लो आपकी फिलोसॉफी पूरी हो गई। किसान की फिलोसॉफी इतनी बड़ी है, वो बीज को देखेगा पूरा ब्रह्मांड देख लेता है, उस बीज के अंदर उसको पूरा ब्रह्मांड छिपा नजर आता है। और बीज ही ब्रह्मांड है, अगर बीज नहीं होता तो ब्रह्मांड नहीं होता, हवा नहीं होते, कोई नहीं होता। ब्रह्मांड की उत्पत्ति ही बीज है, मतलब उत्पत्ति का मूल स्वरूप कोई है तो बीज है, चाहे रूप कोई भी हो, बीज के बिना दूसरी उत्पत्ति शक्य नहीं है। तो इन बीजों में ये तीन शक्तियां हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश। अगर उनमें से एक भी शक्ति कम रहे तो वो सुबीज नहीं कहलाएगा, उसके ऊपर के सेल अच्छे नहीं है, आवरण अच्छा नहीं होगा। तो आप बोने के बाद भी, मित्र जब बो देंगे तो बोने के बाद भी उसको दीमक है, भूमिजन्य रोग है, कुछ ना कुछ लगेगा, क्योंकि वहाँ पर वो संरक्षण दीवार नहीं है, शंकर नहीं है, शिव नहीं है जो उसका रक्षण करते हैं। और अगर गुदा नहीं है, पूर्ति मात्रा में विष्णु नहीं है, पूर्ति मात्रा में ऊर्जा नहीं है, विष्णु ऊर्जा नहीं होगी तो वो इतने जोर से बाहर निकल नहीं पाएंगे, उगने के बाद वो रोग के भोग बन जाएंगे, उतने अच्छे नहीं होंगे क्योंकि विष्णु ऊर्जा नहीं। और ब्रह्म ऊर्जा अंकुरण है, वो अंकुरण तक करने की शक्ति होनी चाहिए, अगर ब्रह्म ऊर्जा नहीं है तो बीज उगेंगे ही नहीं। तो ये ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों की ऊर्जा की बात हुई थी। तो बीज में हमने ये तीन चीजों को बहुत ही ध्यान रखा है। अब कल एक बात हुई थी, फिर से बात हो रही है, काफी लोगों ने कल भी डॉक्टर शर्मा के सेशन में भी पूछा था और यहाँ पर पूछा गया कि भाई गेहूं में हाइब्रिड होते हैं, मूंगफली में हाइब्रिड होते हैं। भाई मूंगफली और गेहूं में अभी हाइब्रिड सीड आए नहीं है, बाजरा में हाइब्रिड सीड आ गए चौक्का हम मानते हैं, पर गेहूं और मूंगफली में हाइब्रिड सीड नहीं आए। गेहूं में 1966 में करीबन हम अमेरिका से
कुछ बीज लाए थे, वो भी बीज जो थे वो उन्नत किस्म के ही बीज थे। वो बीज वहां से इसीलिए लाए गए कि उसी वक्त भारत में तीन रोगों का गेहूं में बहुत बड़ी भार मार थी, और इन तीन रोगों बाद में हम चर्चा करेंगे, तीन रोगों के सामने लड़ने के लिए हमारे पास कोई अच्छा बीज नहीं था। हमारी पारंपरिक जो कृषि थी, पारंपरिक बीज थे, उनमें वो टॉलरेंस ही नहीं थी। तो कुछ बीज वहां से लाए गए और उसी बीज के आधार पे ये नई वैरायटी हमारा वैज्ञानिकों ने सिलेक्शन बेच पर, जिसको बोला जाता है ट्रेडिशनल सीडिंग सिस्टम, यानी कि परंपरागत बीज बनाने की विधि से। देखो ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, परंपरागत बीज बनाने की विधि, मतलब वो बीज बनाने की विधि न तो हमको किसी ने सिखाई है, न किसी देश से हम लाए, वो हमारे पुरखे पुरखे के पुरखे पुरखे के पुरखे जिस तरह से वो बीज बनाते थे उसी पद्धति से हमारे वैज्ञानिकों ने उस बीज को बनाया है, जिसको ट्रेडिशनल बीज बनाने की यानी परंपरागत बीज बनाने की विधि कहते हैं। हर किसान वो सिस्टम सीख लेना चाहिए, हर किसान को ट्रेडिशनल सिस्टम हर किसान को सीखनी चाहिए, हर क्रॉप के पौधे के लिए अपने बीज बनाने के लिए, क्योंकि बीज बनाना भी एक कला है मित्र। ऐसे वैसे बीज मत बनाए लीजिए, कहीं से कोई बीज खरीद लेना किसी पर भरोसा करने से अच्छा है अपने खेतों में अपने नजरियों से अपना ही बीज पैदा कर। तो ट्रेडिशनल बीज की मैं मोटे तौर पर बात कर रहा हूँ, गेहूं की, ताकि उस पर से आपको सभी बीजों की पता चल जाए। वो वैज्ञानिक है, वो जो कुशल किसान है, जो खुद वैज्ञानिक है, वो अपने खेतों में घूमता फिरता रहता है, मार्किंग करता है पहले दिन से कि भाई इस गेहूं में उगने की शक्ति कितनी है, उसमें कल्ले कितने हैं, उसमें जो बाली है बाली की लंबाई कितनी है, हर बाली का वजन किया जाता है, हर बाली का दाना गिना जाता है, और गेहूं का एक आदर्श वजन है, 1000 दाना इकट्ठा करने के बाद जो वजन आए उस वजन के तौर पे गेहूं की शक्ति नापी जाती है, एकम है 1000 दाने के आसपास तैयार किया गया, तो उसी हिसाब से कितने दाने में वो कितना वजन होता है उसी हिसाब से वो लोग सब एक बड़ा सा कैरेक्टर मैप आता है, उसमें वो सब लिखा जाता है, और कैरेक्टर मैप के बाद वो नक्की किया जाता है कि इस गेहूं का पौधा सबसे अच्छा है। ऐसे अच्छे अच्छे जितने भी पौधे खेतों में हैं वो सिलेक्शन करके ले लिए जाते हैं। आप मूंग में भी ये कर सकते हो, बाजरे में भी कर सकते हो, हर चीज में आप ये कर सकते हो। आप किसान है, आपने देखा होगा कि पूरे खेत में 2-4, 10-15 पौधे तो अलग दिखेंगे ही दिखेंगे, उसकी तंदुरुस्ती, उसका दिखाव, उसकी बाली, हर चीज में। अगर मूंग है तो उसकी फली है, मूंगफली है तो उसका छोड़ आप देख लेंगे, उसके नीचे आप उसको उठाकर देखोगे तो उसकी संख्या भी गिन पाओगे। किसान को तुरंत पता चल जाता है कि भाई ये समृद्ध बीज वाला पौधा है, तो फिर उसको अलग लिया जाता है। फिर प्रत्येक बाली, गेहूं की प्रत्येक बाली का दाना गिन के हिसाब से अलग किया जाता है, और फिर जब दूसरी सीजन आती है तब उसकी एक लाइन कर दी जाती है। प्रत्येक बाली की अलग अलग लाइन होती है, जितनी बाली होगी उसकी लाइन अलग होगी, और उस लाइन के अंदर वो पुराने कैरेक्टर हैं वो सब देखे जाते हैं। गेहूं के पुराने जो कैरेक्टर थे जहां से हमने बाली उठाई थी, उस गेहूं के कैरेक्टर मिल रहे हैं पूरे के पूरे लाइन में, सभी पौधों में मोर देन 90% मिल रहे हैं, तो उस लाइन के गेहूं को सिलेक्शन किया जाएगा, फिर लाइन टू लैंड जाएगा। अगर उनमें इस कैरेक्टर नहीं मिल पा रहे जितना रेशिया से मिलना चाहिए तो उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, उसको आगे लिया जाएगा नहीं। अब लैब टू लैंड जाएगा, और लैंड में भी उसको न्यूक्लियर रूप में बनाएंगे, न्यूक्लियर 1, न्यूक्लियर 2, फिर ब्रीडर बनेगा, फिर F1 बनेगा, F2 बनेगा, ऐसी तरह से आगे बीज बनते रहते हैं। तो न्यूक्लियर बीज जो है वो इकट्ठे करके रखे जाते हैं, और उनमें से हर बार नई नई वैरायटी वहाँ से तैयार करके ब्रीडर के रूप में या तो F1 के रूप में किसानों को दिया जाता है। तो इसी तरह गेहूं के जो सीड है इसी तरह से तैयार किए जाते हैं। हम मूंग के बीज भी इस तरह से तैयार कर सकते हैं, मूंगफली के, जितने बाजरा का भी, इस तरह से अगर हम अपने अपने खुद के सीड तैयार कर ले अपने घरों के लिए, अपने खेतों के लिए,
तो हमें बाहर जाने की जरूरत नहीं रहेगी, विश्वसनीयता बढ़ेगी। बीजों में एक और बात रखनी है, एक बीज 3 बार एक ही जगह बोने के बाद उसको बदल देना चाहिए। मेरे खेत के बीज मैं आपको दे दूं, आपके खेत के बीज मेरे खेत में आना चाहिए। 3 साल से ज्यादा उसका यूज एक जगह पे नहीं करना चाहिए। ऐसा माना गया कि 3 बार एक ही बीज एक ही भूमि में बोने के बाद धीरे धीरे से उसका उत्पादन कम होता जाता है, तो बीजों को बदलना चाहिए। एक, अब बीजों के इस तरह से तैयार होने से, अब गेहूं की मैं बात कर रहा हूं, खास करके गेहूं के किसानों को देसी बीजों के साथ आजकल एक बड़ी गुजरात में प्रचलन चल रहा है कि देसी गेहूं बोया जाए, देसी गेहूं बोया जाए। पर देसी गेहूं में 2 चीजों की बहुत ध्यान रखनी चाहिए। पूरे भारत में मैं एक दावे के साथ कह सकता हूं कि गुजरात के जो गेहूं है उसकी क्वालिटी मध्य भारत यानी कि जो एमपी के कुछ हिस्से हैं उतने अच्छी नहीं है, फिर भी एक्सपोर्ट के लिए गुजरात के गेहूं नंबर 1 पे चल रहे हैं। अब हम उसकी चर्चा भी बाद में करेंगे। तो गेहूं में क्या है, ज्यादातर के गुजरात को छोड़ के हर जगह में गेहूं में रतुआ की बीमारी और भी है। गुजरात को कर्नल बोल्ट और रतुआ मुक्त स्टेट माना गया है, ये दोनों बीमारी नहीं है। तो इन दोनों बीमारी नहीं होने की वजह से गुजरात का गेहूं एक्सपोर्ट के लिए अच्छे माने जाते हैं। अब रतुआ जो बीज है, बीज के साथ आता है गेरुआ रोग, जिसको हम गुजराती में गेरुआ बोलते हैं, रतुआ बोलते हैं, अपने गुजराती में गेरुओ बोले, गेरुआ भी। गेहूं गेरुआ 2 तरह के होते हैं, एक तो पत्ते लाल हो जाते हैं बादामी जैसे बन जाएंगे, और एक स्टैम्प में आता है इसे काला स्टैम्प हो जाएगा। ये गेरुआ रोग अभी गुजरात में नहीं है, तो गुजरात के किसानों को हाथ जोड़ के एक विनती है कि अगर वहीं से कोई भी सीड कहीं से भी खरीदो गेहूं के, तो ये दोनों चीज़ों की बहुत ही सावचेती करके लाइए, क्योंकि एक बार जो गुजरात में आ गया और गुजरात में फैल चुका है रोग, देखो एमपी में नहीं था पर 2 सालों से एमपी में कई कई जगह पे दिखने में आ रहा है ये रोग। तो एमपी की सरकार भी उसी के लिए लिए कृषि विभाग चिंतित है, क्योंकि वो बड़े दिक्कत वाली बात है। और कनाल बेल्ट ऐसी ऐसा है, कनाल बेल्ट की बात करूं उसमें बाली जो है बिल्कुल काली हो जाती, दाने बिल्कुल सड़ जाते, सड़ के जल के काले हो जाते हैं, और उसमें मछली मरी हुई मछली जैसी गंध आती है। वो इतने जहरीले होते हैं, इतने जहरीले होते हैं कि बात मत पूछो। अगर एक दाना भी आपके एक्सपोर्ट में मिल जाए तो एक्सपोर्ट वाले उसको पूरा रिटर्न कर देंगे। तो कनाल बोल्ट अभी भारत में काफी कम जगह पे दिखने आ रहा है, इसलिए कहीं से भी सीड लाओ गेहूं के, तो ये दोनों चीजों की बहुत ही ध्यान रखना जरूरी है। एक बार कर्नल बेल्ट आ गया हमारे वहाँ, कनाल बोल्ट कहते हैं, कर्नल बेल्ट कहता है, बोल्ट कहते, तो उसको निकालना गुजरात से बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये दोनों चीजों के लिए, देसी चीज भले ही बो, देसी सीड जरूरी है, पर देसी सीड में इन दोनों की रोग प्रतिकारक शक्ति है तो भी बो, या तो कहीं से खरीदने में, ये दो चीजों की बहुत ध्यान रखिए, बहुत ही नितांत आवश्यकता है। मैं इसका रेफरेंस भी देख लेता हूँ। हाँ, रतुआ बोलते हैं ये, जो मैक्सिकन गेहूं आए गए थे अमेरिका से, मैक्सिकन सीड में रतुआ और करनाल बंट। हाँ, करनाल बंट का विरोध अपने आप स्वतः ही होता है, वो जात वहीं से विकसित हुई थी और वही जात यहाँ पर लाई गई और भारत में उसको चलाया गया। अभी तो हम अपनी जातों में भी उसको प्रतिरोधात्मक बना रहे हैं, और गेहूं के क्रोमोसोम के आधार पर 3 जातें मानी गई है। मैं उसका दे रहा हूँ, ट्रिटिकम एस्टिवम, जिसमें 496 है, 451 है, ये टुकड़ी गऊ है, वो सब एस्टिवम है। एस्टिवम में भी 2 प्रकार माना गया है, बिन पियत और पियत वाले, एक बिन पियत होते हैं एक पियत वाले। दूसरा है ट्रिटिकम ड्यूरम, जैसे कि बंसी हीरा मोती वो ड्यूरम है। और तीसरा है ट्रिटिकम डायकोकम, ये बड़ी
नई जात आपको मिलेगी, ट्रिटिकम डायकोकम, जिसको गुजराती में हम पोपटिया गेहूँ बोलते हैं, जो पोरबंदर और घेड़ के आसपास के लोगों जो मुझसे जुड़े, पोरबंदर और पोरबंदर से लेके जामनगर तक के विस्तार में वो बाया बोया जाता है, चोरवड़ आसपास में, जिसको पोपटिया गेहूँ बोल दें। वो गेहूं के ऊपर छिलका रहता है, जैसे जौ में रहता है, और उसको छिलका निकालना पड़ता है, और निकालने के बाद उसकी रोटी बनाई जाती है। हालांकि वो दो प्रकार के, जो एस्टिवम है ड्यूरम में, उसमें छिलके नहीं रहते, वो बाली में सीधा दाना रहता है। तो पोपटिया गेहूं जो है वो डायबिटीज के लिए जाने माने गए गेहूं है, जो हमारे गुजरात में होते हैं, भारत में कई प्रदेश में भी होते हैं, पर गुजरात में ज़्यादा मैंने कहा उस प्रदेश से होते हैं। बहुत ही अच्छे हैं, डायबिटीज के मरीज हैं, वेट लॉस जिसको करना है वो उस गेहूं को लाकर खा सकते हैं, क्योंकि उसमें ग्लूटेन की मात्रा थोड़ी कम रहती है। अब ग्लूटेन के बिना रोटी तो नहीं बनेगी, कोई कहता है ग्लूटेन फ्री गेहूँ, ग्लूटेन फ्री गेहूँ आते ही नहीं है, एक भ्रम है, ये मान्यता निकाल दीजिए मित्रों, ग्लूटेन फ्री गेहूँ आएंगे ही नहीं। हाँ जी, रस्ट की बीमारी जिसको बोलते हैं जी, ग्लूटेन फ्री नहीं रहेगी, क्योंकि जितना ग्लूटेन ज्यादा होगा उतनी रोटी मिस्सी और अच्छी रहेगी, चिकनाई वाली होगी और अच्छी रहेगी, शाम तक रात तक रोटी अच्छी रखना है तो उसमें ग्लूटेन का होना जरूरी है। इसलिए बंसी गेहूं की आप रोटी बनाओगे तो अच्छी नहीं बनेगी, बालिया गेहूं की रोटी अच्छी नहीं बनेगी। जिनमें ग्लूटेन की मात्रा कम है, उसका लाडू है, उसका कंसार है, उसका सीरा है, ट्रेडिशनल फूड बहुत ही अच्छा बनेंगे, पर रोटी अच्छी नहीं बनेगी। जिनमें ग्लूटेन ज्यादा है उसकी रोटी बहुत ही अच्छी रहती है, बिल्कुल मुलायम रहती है, और लंबे तौर पर वही अच्छी हाल में रहती है। तो ये बात है। एक दूसरी बात ये मानी गई है, पंजाब हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसानों कभी कभी हमारे वहां गुजरात में आते हैं, या तो हमारे गुजरात के किसान वहीं पर जाते हैं और वहीं के गेहूं देखते हैं, हमारे गेहूं देखते हैं, तो उनको ये दिक्कतें होती है कि भाई हमारे गेहूं, गुजरात के गेहूं, एमपी के गेहूं से भी थोड़े अलग रहते हैं, उत्पादन कम रहता है, और वहीं से हम वो जात ले आते हैं और यहाँ बोने की कोशिश करते हैं। तो वो भी एक भय स्थान, मैं उसी का भी दिखा देता हूँ। पंजाब जो है, हरियाणा जो है, मध्य प्रदेश जो है, सब जगह पे मेरे मित्र भी है। मध्य प्रदेश में तो मैं इस बार काफी ठंड के समय तक घूमा हूँ, तो वहाँ ठंड का समय 120 से 140 दिन का है मित्र। ये बहुत समझने वाली बात है, छोटी छोटी बात गुजरात के किसान भूल जाते हैं। तो वहाँ ठंड का पीरियड जो है 120 से 140 दिन का रहता है, इतना बड़ा गुजरात में इतना ठंड का समय नहीं मिलता है। अगर वहां से कोई चीज लाकर हम बोएंगे, अच्छा है वहां से बीज लाकर बोना, मैं कोई बुरी चीज नहीं कह रहा हूँ, पर वो उतना उत्पादन आपको दे नहीं पाएगा, कि क्योंकि आपको उतनी ठंड यहाँ गुजरात में नहीं मिल पा रही है। यहाँ गुजरात में ज़्यादा से ज़्यादा 65 या 70 दिन से ज़्यादा हमको ठंड नहीं मिल पा रही, वो भी भारी ठंड तो कभी नहीं मिलती इतनी जितनी पंजाब हरियाणा या मध्य प्रदेश में मिलती है। मध्य प्रदेश में करीबन करीबन फेब्रुआरी तक, पूरा फेब्रुआरी और मार्च के शुरुआत के दिनों तक, मार्च में भी हम 15 मार्च को गए थे तो वहां पर भारी ठंडी की मात्रा थी उस वक्त। हालांकि 15 मार्च तो गुजरात में बहुत गर्मी शुरू हो जाती है मित्र। तो ये बात बहुत ध्यान रखने वाली है किसानों को। हाँ, काला गेहूं जो है, लोग काला गेहूं को न्यूट्रिशन युक्त कहते हैं, पर काला गेहूं की रोटी अच्छी नहीं बनेगी, क्योंकि उसमें फाइबर का, ग्लूटेन की मात्रा कम है, फाइबर ज्यादा है, तो रोटी थोड़ी काला गेहूं की रूखी सूखी हो जाती, जो गुजराती लोगों को पसंद नहीं आएगी। गुजराती लोग मिस्सी रोटी खाने वाले हैं, ये समझ लेना। दरे हर एक प्रदेश का रोटी का अपना एक प्रभाव रहता है, अपना एक ट्रेडिशनल रहता है, कि इस तरह की रोटी हम खाएंगे। हम फुलके खाने वाले लोग हैं, फुलके खाने वाले अच्छे से अच्छे कोई प्रजा है तो गुजराती प्रजा है, क्योंकि रोटी, गुजराती रोटी इतनी छोटी और पतली होती है, जो बहुत दूसरे प्रदेशों में हम घूमते हैं रोटी बड़ी जाड़ी और बड़ी रहती है। तो हम लोग फुलके खाने वाले हैं, हम भी ट्रीटमेंट भी ले लेते हैं, उसकी बात भी आ रही है। तो उसके लिए हमें काले गेहूं है, पैगंबरी गेहूं है, वो ट्रेडिशनल फूड के लिए या तो भाखरी बनाने के लिए बहुत ही अच्छे हैं।
खपली गेहूं ये सब, ये ड्यूरम है, तो उसका भाकरी अच्छी बनेगी, उनका ट्रेडिशनल फूड अच्छा बनेगा। लेकिन रोटी के लिए आपको शरबत ही है, 496 है, 451 है, ऐसी जो जात है जिनमें ग्लूटेन की मात्रा ज़्यादा है वही लेना चाहिए। और ग्लूटेन ही गेहूं की जान है, अगर जान निकाल दोगे तो गेहूं काम के नहीं रहेंगे। और पूरे विश्व में ग्लूटेन की एलर्जी वाले आदमी 2% पाए जाते हैं। कितने? 1 से 2%। अब वो तो हर रोग में होगा, हर चीज में उतनी एलर्जी तो आपको मिलेगी। किसी को मूंगफली की रहती है, कली 10 रुपये भैया ने कहा था कि मुझे मूंगफली की एलर्जी है, तो हर आदमी को कुछ ना कुछ पदार्थों की एलर्जी तो बनी रहेगी। इसीलिए पूरे पाक को, पूरे क्रॉप को दोष देना ठीक नहीं है। आयुर्वेद ने भी वहाँ कहा है कि गेहूं पचने में बहुत भारी है, और जिसके आंतड़ी के रोग हैं, जिसको डायरिया हो, मरड़ा हो, पेचिस हो, आँव हो, दस्त लगता हो, उनको गेहूं नहीं खाना चाहिए। अब वही दर्द दिखाएंगे तो एलर्जी दिखाएंगे ही दिखाएंगे। जब मना किया है शास्त्रों ने, आपको मना किया कि आगे मत जाओ, कुआ है, आप जाओ और गिर जाओगे, बोले कि कुआ खराब है। कुआ क्यों खराब है? आपको तो सूचना दे दी गई थी। तो इसी तरह गेहूं के साथ, गेहूं में मैं नहीं कहता वो हर रोज खाया करो, रोज खाया करें, पर गेहूं के साथ हमारे ट्रेडिशनल फूड है, शुद्र धान है, मिलेट है, उनका भी थोड़ा बहुत प्रभाव शुरू कर देना चाहिए, ताकि किसान जो मिलेट बो रहे उनको अच्छा भाव मिले और आपको अच्छी स्वास्थ्य मिले। अब आती है बीज की, हम एक बात करते हैं बीजोपचार किया। भैया ने कहा था बीजोपचार के बारे में कुछ कह लेना बीज ट्रीटमेंट के लिए, हिमांशु भाई का वो प्रश्न है। तो बीज उपचार क्यों करना है, बीजोपचार हमें क्यों करना है? पूरे क्रॉप के, पूरे क्रॉप में अगर कोई सबसे अच्छा संस्कार है तो है बीज संस्कार, समझ लेना। उसको प्रथम श्रेणी में माना गया, प्रथम दर्जा में रखा गया, पर दुर्भाग्य की बात यह है कि किसान के ज्यादातर किसान, जैविक किसान तो उस तरफ मुड़ चुके, बहुत ही अच्छी बात है, पर ज्यादातर किसान बीज संस्कार में मानते ही नहीं, क्योंकि बीज संस्कार ही प्रधान कर्म है। बीज उत्पादन, फसल उत्पादन के लिए बीज संस्कार सबसे अच्छा है। बीज संस्कारण से क्या होता है, बीज एक तो अपने आप में उसकी शिव शक्ति बढ़ जाती, संरक्षण शक्ति बढ़ जाती है, दूसरा उससे विष्णु ऊर्जा बढ़ती है, उत्पादन क्षमता भी बढ़ती है, और तीसरा ब्रह्म ऊर्जा भी बढ़ाते हैं। ये ऊर्जा को बढ़ाने का, जिसको बीज संस्कार बोला जाएगा। संस्कार का मतलब है गुणों को वर्धन करना, अवगुणों को घटाना। जिस तरह से हम भोजन को संस्कार करते हैं, उस तरह बीजों का संस्कार करना चाहिए। इस संस्कार को बीजो उपचार नाम दिया है। तो बीज उपचार बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बीज के ऊपर अगर आप संस्कारित पड़ हो जाएगा तो भूमि जन्य रोग एक तो उसको नहीं लगेंगे, दीमक वीमक नहीं लगेगी, भूमि में रहने वाले जो जीव उसको खाते हैं वो नहीं खाएंगे, और फिर बीज को पूरी तरह से इसको भिगो कर तैयार किया गया है तो वो अपने पौधों तक जाएगा, तो पौधा बड़ा होगा, तब तक उसके जड़ों बड़ों में सब में उसका संस्कार रहेगा और उसको रक्षण मिलता रहेगा, और उसके साथ कुछ पोषक तत्व भी है तो उगाने में भी झड़पी, जर्मिनेशन में भी झड़पी फायदा करते हैं। इन सभी चीज़ों को मिलाकर जो चीज़ बनाया गया उसको बीज उपचार कहते हैं। तो बीज उपचार का मतलब, बीज उपचार में क्या क्या करना चाहिए, बीज का रोग, रोग लगने वाले जो बीज है, हर एक बीज को अलग अलग रोग लगते हैं, तो उस रोग के आधार पर ही उस बीज रसायन का चयन करें, चाहे केमिकल हो चाहे जैविक हो, उसका प्रयोग संतुलित मात्रा में करना चाहिए। ये बड़ी बात है, न ज्यादा न कम, न अधिक न कम। बीजो उपचारित जो बीज है उसको खुली धूप में कभी नहीं सुखाना चाहिए, बहुत ही, चाहे केमिकल में किया हो चाहे जैविक में किया, उसको छायादार स्थान पर ही सुखाओ और सूख जाने के बाद ही बोना चाहिए। बीज उपचार के 4 घंटे के अंदर अगर आप बो दो तो उसका अच्छा परिणाम मिलेगा। आज बीज भंडा, बीज उपचार करके रख दो और 3-4 दिन बाद बो, दूसरे दिन बाओगे तो वो कम हो जाते हैं।
अब बीज शोषण के समय अगर केमिकल है तो हाथ में दस्ताने पहने, और जैविक फफूंद है, जैविक से कोई कर रहे हैं फिर भी दस्ताने पहने और मुंह पे कपड़ा लगाया जिस तरह मास्क लगाया जाता है। अब बीज को तैयार कैसे करते हैं, शुरुआत से तोड़ने तो नमक का 2% घोल बनाए। क्या करना है, एक बड़े पात्र में नमक का 2% घोल बनाए, यानी कि 100 लीटर पानी में 2% नमक डाल दो, उसको हिलाकर बिल्कुल तैयार करो, फिर आप उसमें बीज डालें। अब जो बीज है ऊपर की ओर तरते रहे पानी की ऊपर की सतह में, उसको निकाल कर फेंक दीजिए, क्योंकि वो हल्के बीज है, हल्के में उगने वाले नहीं है, वो जत्था बढ़ाएंगे आपके खेतों में, पर उगेंगे नहीं, तो वही कुछ जगह में जगह छोड़ दी जाएगी, खड्डा रह जाएगा, गुजराती भाषा में आपने की खाडा पड़ी जैसे, अथवा तो खामड़ू पड़ी गई गई है अपने मेहसाणा जिला की भाषा में, खामड़ा रह जाता है, मतलब जगह रह जाती वो दाने नहीं। तो ऐसे करके जो पक्व बीज है, जो मजबूत बीज है, वो पैदे में रहेंगे, ऊपर के हल्के बीजों को निकाल कर आप फेंक दीजिए, फिर उसको बाहर निकालने के बाद सुखा दीजिए, या तो उसको अलग अलग तरह की ट्रीटमेंट कीजिए। सबसे अच्छा ट्रीटमेंट है बीजामृत। कौन सी है सबसे अच्छी ट्रीटमेंट है बीजामृत। अब बीजामृत जो है जैविक की बात हम मोटे तौर पर कहते हैं, तो जैविक ही चलाएंगे तो बीजामृत करना चाहिए। बीजवत प्लस अमृत, बीजों को अमृतवत बना देता है। बीजामृत से बीजों की अंकुरण शक्ति बढ़ती है, रोग प्रतिकारात्मक शक्ति बढ़ती है, भूमिजन्य रोगों कम लगते हैं, और पौधों को बड़े होने तक वो रक्षण देता है। तो बीजामृत बनाने के लिए 50 ग्राम आप चूना ले लीजिए और 20 लीटर पानी में उसको पहले घोल दीजिए। 24 घंटा तक भिगो कर रखने के बाद उसमें 5 किलो गोबर, गाय का ताजा गोबर, और 5 लीटर गौमूत्र उसमें मिला दीजिए, फिर उस घोल को तैयार कर लीजिए और बीजों को पोटली बनाकर उसमें रखिए। ये बहुत बड़ी समझने वाली, पोटली बनाकर उस बीज में रखिए। अब जैसे बीज है, जैसे जिसका शंकर, जिसका शिव, जिसकी शिव ऊर्जा प्रबल हो उनको ज़्यादा समय तक रख सकते हो, जिसकी शिव ऊर्जा कम हो मतलब हल्की परत है उनको ज़्यादा टाइम तक नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उसके छिलके निकल जाएंगे। तो उस तरह से डूबा कर रखिए, जो जितनी ज़रूरत है, जिसकी दर के अनुभव के आधार पर वो नक्की हो जाएगा, नहीं है तो आप किसी किसान को पूछ सकते हो जो ये करता है। फिर उसको निकाल के छाया में सुखा लीजिए और फिर उपचारित बीज को बोए, जिसको पक्षी भी नहीं खाते, मोटे तौर पर दीमक भी नहीं लगता, तो ये इसके लिए है। इसके सिवाय एक जो हम ऋषि ग्रुप की अपनी एक रिसर्च है, बहुत समय के बाद जगदीश भैया ने उन पर काफी अच्छा रिसर्च किया है, जगदीश भाई मेतलिया ने, वो है स्वर्ण जल, सोने का पानी। तो आप सोने का कोई भी ऑर्नामेंट ले लीजिए, शुद्ध स्वर्ण का सिक्का होगा, घर में गहने हैं उसको ले लीजिए, और इसको तालाब का पानी मिले तो सबसे बढ़िया है, बरसात का पानी श्रेष्ठ है, बारिश का पानी अगर मिल जाए तो बेस्ट है, बारिश का नहीं मिलेगा तालाब का चलेगा, कुएं का चलेगा, नदी का चलेगा, नहर का पानी चलेगा, कोई भी नहीं मिले तो अपना बोरवेल का पानी भी चलेगा। जितना आपको जितना पानी को में बीजों को प्रभावित करना है उतना पानी ले लीजिए और उसमें सुवर्ण कुछ रख दीजिए 24 घंटे तक। उसमें सुवर्ण रखने के बाद अब सुवर्ण को निकाल भी रखेगा तो भी चलेगा, इसके अंदर रखने दो भी चलेगा, फिर उसमें भी पानी के अंदर वो बीजों की पोटली बनाकर रख दीजिए, जिस तरह से बीजामृत में करते हैं उसी तरह से उस पोटली को उस पानी में डुबो कर रख दीजिए, जितना आपकी आवश्यकता है, जितनी जरूरत है। तो वो सुवर्ण जल भावित हुआ, उसका पहला उल्लेख हमको कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिला है, और दूसरा उल्लेख हमें जो हमारे स्वामीनारायण संप्रदाय है, जो स्वामीनारायण संप्रदाय से जुड़े जितने किसान भाइयों उनको मैं कहता हूँ, वहां पर सहजानंद स्वामी ने कहा है कि भाई जब हम पहली बार हल चलाते हैं तो हल की जो लोहे की कौश होती है, लोहे का फलदार होता है जिसको हम गुजराती में कौश बोलते हैं, उसके छोर अनि के अगर जो तेज नोक है नुकीले पर थोड़ा सा स्वर्ण घिस देना चाहिए, फिर खेतों में उसको चलाना चाहिए। तो भूमि शुद्धन के लिए उन्होंने लिखा है, तो
उन दोनों का संदर्भ लेकर हमने वायरस जन्य बीमारी पर इसका बहुत अच्छा प्रयोग किया और बहुत अच्छा परिणाम हमको मिला है। इसमें सुवर्ण तो कमी नहीं होने वाले, दागिना फिर से वापस पहन ले सकते हो और आसान तरीका है। और इसीलिए हमारे पुरखे जो थे, जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे, घर में पहले ये कपाट या तिजोरी नहीं थे तो गहने हम लोग कहाँ रखते थे? आपको पता होगा कि बहने गहने कहाँ पर रखती थी, ये बाजरा अनाज का जो कोठार होता है उसमें हम रखते थे। भाई जगह तो कई और भी थी, वहां भी क्यों रखते थे? वहां पर भी वही था कि वो सुवर्ण अपने प्रभाव से, वहां प्रभाव की शब्द आता है, सुवर्ण अपने प्रभाव से उस धान्य को सड़ने नहीं देता था और अपना प्रभाव देता रहता। तो सुवर्ण का इतना बड़ा प्रभाव है, तो ये भी संरक्षण की भूमि हुई। उसके ऊपर आप ट्राइकोडर्मा भी लगा सकते हो, और भी जितने फफूंद हमको मिलती है जो मित्र उपयोगी है वो सभी का उसके ऊपर आवरण करके हम लगा कर बीजामृत के रूप में डाल सकते हैं। पर उसका सबसे अच्छा रूप है एफ आई आर बनानी पड़ेगी। जैसे पुलिस स्टेशन हम जाते हैं और FIR बनती है, उस तरह से उसमें भी FIR, मतलब सबसे पहले अगर आपको बीज को भावित करना है तो आप फंगीसाइड से करिए। फूंक के जो दवाई है उसको सबसे पहला चांस आना चाहिए, पौधे के ऊपर का पहला पड़ जो है फंगीसाइड का होना चाहिए। फिर आता है आई, आई का मतलब इंसेक्टिसाइड, मतलब उसके ऊपर दूसरा जो पड़े वो इंसेक्टिसाइड का होना चाहिए। और आर का मतलब है राइजोबेलियम, या तो जो कुछ बैक्टीरिया, जो अच्छे बैक्टीरिया है जो हम उस पर लगाते हैं, जैसे दलहनी क्रॉप होती है तो उनमें राइजोबेलियम बैक्टीरिया का हम बीजामृत करते हैं, उसका कोटिंग करते हैं। तो FIR स्वरूप से बीजों के ऊपर उसको लगाना चाहिए, ये सबसे श्रेष्ठ तरीका है। राइजोबेलियम सबसे बाद में आएंगे, आप पहले राइजोबेलियम का लगा के दूसरा पट लगाओगे, गुजराती में पट बोलते हैं, इसके ऊपर लगाओगे तो वो मर जाएंगे, इसका कोई फायदा नहीं है। इसलिए उसका क्रम भी याद रखना, FIR फंगी इंसेक्टिसाइड और राइजोबियम और जो कुछ बैक्टीरिया वो बाद में, इस तरह से उसको बीज भावित करके हम बीज के लिए तैयार कर देते हैं। अब श्री विधि में एक बात और है, गेहूं में श्री विधि में बहुत अच्छा काम करते हैं। श्री विधि में तो गेहूं में ऐसा माना गया कि बीजों को तब तक जीवामृत में डुबो कर रखते हैं, या तो वर्मी कंपोस्ट का खाद का पानी बनाते हैं उसमें तब तक डुबो कर रखते हैं जब तक वो अंकुरित नहीं हो जाए, और अंकुरित होने के बाद वो बोते हैं। श्री विधि में किसान को अगर उस विधि में थोड़ा इंटरेस्ट है तो थोड़ा, एक मैंने कहता हूँ रातों रात कोई भी क्रिया शुरू कर दीजिए, उसमें नुकसान नहीं आएगा। एक थोड़ा आपके खेत के कोने से छोटा सा जगह में उसकी शुरुआत कीजिए, कैसा रहता है, किस तरह से आगे बढ़ते रहे, ये सबसे अच्छी है। प्याज है और चावल है, जिसको हम रीसीडिंग करते हैं, रीप्लांटिंग करते हैं, उसके जड़ों को भी इसी तरह से भावित करना चाहिए। प्याज के जो छोटे छोटे पुड़िया उठाकर लाते हैं हम बोने के लिए गुजरात में, तो उसको कुछ समय तक जीवामृत में रखने चाहिए, और भी जो उसके लिए जो जरूरी है उनमें रखने के, स्वर्ण जल है जिसमें कि आपको जो अवेलेबल है फिर उसकी बुवाई करना। चावल में भी इस तरह से आप कर सकते हो तो ये सबसे अच्छा परिणाम आपको मिलेगा। इसके सिवा आखिरी पॉइंट है बीजों में मोटे मोटे तौर पर, वो है भंडार, बीज भंडारण, बीजों को कैसे रखा जाएगा। तो काफी किसानों ने, और गुजरात में जो हमारे से जुड़े सृष्टि संस्था से, सृष्टि संस्था चलती है गुजरात में जैविक किसानों के लिए, गुजरात के सबसे पुरानी जो संस्थाएं हैं उसमें सृष्टि का नाम है, जैविक किसानों के, सृष्टि ने किताब निकाली है, उनमें उसने हर चीज का, हर किसानों का अपना प्रयोग उसमें लिखा गया कि भाई अनाज को लंबे अरसे तक घर में संग्रहित करने के लिए उसमें क्या क्या डालना चाहिए। जैसे गेहूं को आप लंबे अरसे तक रखना है, हम क्या करें, एरंडी के बीज आते हैं उसको तोड़ देते हैं, उसके ऊपर से छिलका निकालते हैं, और फिर 20 ग्राम 50 ग्राम प्रति 20 किलो से डाल के उसको भरते रहते, थोड़ा डालो फिर गेहूं भरो, थोड़ा डालो फिर गेहूं भरो, तो वो गेहूं को सड़ने नहीं देते। कैस्टर ऑयल, अब कैस्टर ऑयल में पहले क्या था कि ऑर्गेनिक कैस्टर ऑयल नहीं मिल रहा था, अब तो ऋषि कृषि ग्रुप ने कैस्टर ऑयल, क्योंकि हमारा काफी गेहूं हम लोग परदेश भी भेजते हैं,
तो वहीं पर कैस्टर ऑयल की वजह से ऑर्गेनिक कैस्टर ऑयल नहीं होता तो दिक्कतें आती थी, तो इस बार हमने कैस्टर ऑयल कच्ची गानी से निकाला है और वो भी जैविक कैस्टर से निकाला है, तो वो उस काम में हम यूज कर लेते हैं। कैस्टर ऑयल का एक पट लगाते हैं और फिर उसको भर के रखते हैं, तो उससे रोटी भी मिस्सी होती है, अच्छी होती है, कब्ज वालों के लिए तो बहुत बढ़िया है, और साल तक वो उसको दून दिया सड़न नहीं लगती। एक सादी और सरल हमारी परंपरागत ट्रेडिशनल पद्धति, हम गेहूं को और कोई भी धान्य को, बाजरा है, गेहूं है, इन सबों को धूप में सुखा लेते हैं। और ये बहुत बड़ी बात याद रखने की है, धूप में सुखाने के बाद उसको गरम गरम नहीं भरना चाहिए, वो वहीं एक रात ठहरने देते हैं और दूसरे दिन सुबह सुबह उसको छान के कचरा वचरा दूर के भर देते हैं, तो वो भी अच्छा है क्योंकि मॉइस्चर का परसेंटेज 13% से नीचे रहेगा तो कभी भी वो सलन बलन धुंध बुंध नहीं लगेगी, कि कीड़े नहीं पड़ेंगे, तो ये बीज संरक्षण के लिए ये भी अच्छी चीज़ है। कोई लोग उसमें साबुत साबुत नमक आता है जिसके इतने मतलब टुकड़े आते हैं, जो हमारा देसी मीठा बोलते हैं, वो भी डाल देते हैं, खास करके चावल में वो बहुत ही सफल प्रयोग है। चावल में आप उसका साबुत नमक का टुकड़े ढेले रखते रहेंगे तो चावल नहीं बिगड़ते। इसके सिवा गेहूं है, बाजरी है और चावल में, उनमें वो एक बड़ा जीवात होती है जिसको धनेड़ा बोलते हैं, गुजराती में धनेड़ा बोल जाते हैं, जो पंखों से उड़ता है वो ज्यादा हो जाते हैं, तो उसके लिए सबसे अच्छा प्रयोग है आप सीताफल ले आइए खा लेना, और सीताफल के जो बीज है उसकी मिंजी निकाल देना, कूट के अंदर से मिंजी निकालो, और मिंजी की छोटी पोटकी कपड़े में बनाकर 5-5 ग्राम, 2-2 ग्राम की छोटी छोटी कपड़े में इतनी गठरिया बांध दीजिए छोटी सी, और वो गठरिया गेहूं है बाजरी में उसमें थोड़े थोड़े बीच बीच में रख के भरते रहोगे तो वो नहीं होगा, धनेड़ा गुजराती में, गुजराती मित्र जो है तो वो उसमें भी। हाँ आशुतोष जी भाई नमस्ते हैं, मेरे वैद्यराज जी पधार चुके हैं, चलो अच्छा है, तो वो वहां पर भी करते हैं। नीम का सबसे अच्छा प्रयोग है, नीम के पत्ते आप ले आओ और उसका पाउडर बनाकर उसकी छोटी छोटी पोटलियाँ बनाकर अनाज के अंदर रखो तो वो आपके भंडारण में काम लगेगी। काफ़ी लोग लाल मिर्च को भी अंदर डाल देते हैं, लाल मिर्च के टुकड़े करके, छोटे छोटे टुकड़े करके लाल मिर्च के गेहूं में, बाजरे में या चावल में डालते हैं, तो उसकी तिखास की वजह से भी धुंध और दीमक नहीं होती। ऐसे अलग अलग कई हजारों प्रक्रियाएं हैं, कोई दिया सली डालते हैं डोरी से बांध के, हजारों प्रयोगों खेडूतों ने अपने निजी अनुभव से ढूंढ निकाले हैं। और एक दूसरा प्रयोग जो सौराष्ट्र में यूज करते हैं, वो प्लास्टिक की पूरी पॉलीथिलीन बैग लाते हैं और बैग को जूट के अंदर रख देते हैं, जूट के बोरे के अंदर रख दे, मजबूत बैग लेते हैं और जूट के बोरे के अंदर रख के उसके अंदर ये तैयार किया हुआ अनाज भर के उसको एयर टाइट बंद कर देते हैं, प्लास्टिक की बोरी को इतना एयर टाइट कर देते हैं। देखो एक बात, बाहर से कोई भेज या ऑक्सीजन नहीं जाएगा, ज्यादातर भेज और गर्मी की आपले होती रहती है, भेज की आपले होती है तभी सड़न होती है, तो प्लास्टिक की वो अंदर पॉलीथिलिन बैग इतनी पैक हो जाती है तो वो सालों साल तक, 2 साल तक, 1 साल तक वैसे के वैसे बीज रहते हैं। दूसरा ये फसल को 11, 12, 13, 14 को नहीं काटनी चाहिए, रस के समय में अगर फसल काटोगे तो वो सड़ेगी और सड़ेगी, किसान को भी यही समझना चाहिए। तो इन सब मोटे मोटे तौर पर ये सब चीजों का आप यूज कर सकते हो, कहीं पर भी अगर समझ नहीं आए तो हमको पूछ सकते हो, और अगर आपको बीज रखना है, बीज सीड की बात कर रहा हूँ, सीड सीड को भंडारण कैसे करना है, सीड को आपको सालों साल तक, मैं तो 20 साल की गारंटी देता हूँ, 20 साल तक वो सीड वैसे के वैसे कैसे रहेंगे, उसका एक प्रयोग हमने किया है, प्रयोग काफी समझाने में थोड़ा दिक्कत भरा हुआ है, इसलिए हम उसकी एक लिंक अभी अभी इस सेशन पूरी होने के बाद इसी में नीचे रखेंगे, इस सेशन के नीचे वो पूरा वीडियो हमने अभी अभी बनाया है, वो वीडियो आप देख लेंगे और उसके में भी आपको समझ नहीं आए तो आप हमको पूछ सकते हो। हाँ नीम की डाली भी टुकड़े करके लोग रखते हैं, छोटी छोटी डाली के टुकड़े करके भी रख सकते हो, मतलब काफी सारी भंडारण की काफी सारी अपनी अपनी इलाके के क्षेत्र में जो मिलने वाली चीजें हैं उनके आधार पर किसानों ने बहुत ही ढूंढी है। हमको कुछ नहीं करना है, उसको रीयूज में फिर लाना है, जो हमारे पुरखे करते थे, हमारे पास वो सल्फोस की गोलियों नहीं डालनी है, पारद की गोलियों नहीं डालनी है, आपको पता है।
भारत की गोलियों से क्या होता है, जो बहनें मेरे साथ जुड़ी है और जो सुन रही है वो ज़्यादा से ज़्यादा भारत की गोलियां रखवाते हैं। अब उससे होता क्या है, मैं आपको बहनों के लिए खास कह रहा हूँ कि अगर उस डब्बे में आपने अनाज भर के भारत की गोलियां रख दी और उसमें गर्मी होती है, अनाज की अपनी गर्मी होती है, आसपास का वातावरण की गर्मी से भारत का एक भाप बनती है, गैस बनती है, और उस गैस की वजह से वो जहरीली गैस होती है, उसकी वजह से वो अनाज में धुंध या सड़न नहीं लगती। पर जब बहन उसको खोलने के लिए पहले जाती, सबसे पहले उसमें अनाज लेने के लिए घर की बहनें ही जाती हो, ज़्यादा से ज़्यादा तक जैसे खोलेंगे तो वो भाप उनके नाकों से उनके संसर्ग में पहले आती है। और शायद ऐसा माना गया है कि वो कैंसर होने में, बहुत ही फेफड़े के कैंसर है या तो स्तन के कैंसर होने में वो भाप सबसे कारणभूत है। हालांकि पुष्टि नहीं है पर ऐसा माना गया है, लोगों का ऐसा कहना है। तो बहनों को खास बेनती है कि पारद की या सल्फोस की गोलियों का भूलकर भी यूज ना करें, क्योंकि उसकी गैस बहुत जहरीली होती है। अगर डाला भी है तो उसका बर्तन का मुंह खोल के, ढक्कन खोल के काफ़ी देर तक उसको गैस को रिलीज हो जाने दें, बाद में उनमें से अनाज को निकालें। तो ये बहुत सावधानी वाली चीज़ें रहती है, समझने वाली चीज़ है, और ट्रेडिशनल चीज़ों से जितना भी आप उसको रखेंगे वो जहरीला नहीं होंगे। अब बड़ी बात ये आती है कि आपने ऑर्गेनिक पका लिया, ऑर्गेनिक बाजार से बड़े भाव देकर उपभोक्ता ने खरीद भी लिया, आपने पका कर घर ले गए, फिर आप उसमें सल्फोस की गोली रखते हो, पारद की गोली रखते हो, तो वो ऑर्गेनिक कहाँ रहा, वो तो वही का वही केमिकल हो गया, जहरीला इनसे भी जहरीला हो गया। हम यही तो भूल करते हैं, मीठ बाजार से ऑर्गेनिक खरीद कर लाते हैं और घर में स्टोर करके उसमें पारद की गोली डालते हैं या सल्फोस की गोली डालते हैं या और कोई केमिकल डाल देते हैं, या तो गेहूं पर वो बोरिक एसिड का छिड़काव करते हैं या तो और किसी और अट्टम सट्टम दवाइयों का छिड़काव करते हैं, तो वो जैविक नहीं रहेगा बीज। जैसे उसका टेस्टिंग होगा बोने के बाद या खाने के पहले और खाने के साथ, तो उसमें कुछ ना कुछ जहर मिलेगा और वो रिजेक्ट हो जाएंगे। तो अगर आप ज़्यादा पैसा खर्च रहे उपभोक्ता के तौर पर तो उसका भंडारण भी उसी तरह से करें। कल एक मैं उसकी पोस्ट बनाकर भी रखूंगा, शायद समय मिले तो लिख के, ताकि सभी को पता चल जाए, मौखिक कहने में भूल जाते लोग। और बीज की जो लंबे समय की भंडारण की जो बात है, वो उसका ऑडियो हम सेशन के बाद भी रख सकते हैं। हाँ, राख भी रख सकते हैं, पर कंडे की राख होनी चाहिए और राख अच्छी होनी चाहिए, कंडे की राख और अच्छी राख होनी चाहिए। राख मिलाकर भी रख सकते हैं, क्योंकि राख का भी एंटीसेप्टिक गुणधर्म है, पहले के ज़माने में राख भी मिलाते थे। काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी काफ़ी आप ढूंढोगे तो हजारों सिस्टम हमारे वहाँ थी। जितना आदमी थे, उनके विचार थे, उनका अनुभव थे, उतनी पद्धतियाँ थी। जैसे जैसे मिक्स करके भी रखते थे कि अगर सरसों, सरसों की आपके पास अच्छी फसल है तो सरसों वो लोग क्या करते थे, गेहूं के बीच में थोड़े थोड़े रख लेते थे पोटिया बनाकर, तो सरसों की तीखी वास की वजह से भी वो सड़न नहीं होती थी। तो चोखा में भी कोई सरसों रख लेता था। ऐसा कई चीज़ें हैं, कई बड़ी सृष्टि की इतनी बड़ी किताब है, कहीं से मिले तो वो रख लेना। तो ऐसी कई चीज़ों से हम बीज को संरक्षण करते हैं, हमारे खाने वाले जो सीड है उनका भी संरक्षण कर पाते हैं। आज का सेशन यहीं पर ख़त्म करते हैं। 5 बजे डॉक्टर क्षमा पटेल का सेशन शुरू होने वाला है। आप सभी, मेरा उनका नम्र निवेदन है, आप सभी कल्पद्रुम करके डॉक्टर क्षमा पटेल का पेज है उन पर भी जाइए 5 बजे के बाद, वहीं पर भी एक आहार का सेशन शुरू होता है, क्योंकि 2 सेशन को हमने बेच दिया, आहार का अलग, कृषि का अलग। तो 5 बजे के बाद वो सेशन भी शुरू हो रहा है, वो भी आप देखिए, ज्ञान की वृद्धि होगी। हाँ जी जी, वो सब सेशन, थोड़ी थोड़ी बातें प्रवीणा जी आती रहेंगी सब चीज़ों के बारे में, जैसे जैसे आपका प्रश्न आते रहेंगे उत्तर में उनका जवाब आपको मिलता रहेगा। आज ये बीज की बात थी, अब बीज का अध्याय हम यहाँ पूर्ण करते हैं। काफ़ी सारी बीजों के बारे में तो है चीज़ें, पर मोटे मोटे तौर पर जो किसान समझ सके वो अच्छा है। ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों शेयर करें आपके वहाँ। खिमजी भाई मरीश चौकस मणि आनंद थे, ज़्यादा से ज़्यादा बता ग्रुपों में शेयर करें, अपने मित्रों तक पहुँचाएं, डाउनलोड भी कर सकते हो, मेरे यूट्यूब पर जा सकते हो, और ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँचनी चाहिए, क्योंकि भ्रम बहुत है। हमारा पहला
कार्य हम यही करते हैं, विज्ञान के तौर पे और वेदों के तौर पे लोगों से भ्रम को मुक्त करना है। ज्ञान का प्रकाश वही है, ज्ञान तो देने वाले बहुत जैविक गुरु है, बहुत सिखाएंगे कृषि कैसे करना क्या करना उनके पास बहुत है, पर हमें वो जो गलत मान्यता है गलत तौर है वो निकालना है। जय जवान जय किसान मित्रों, मैं नीचे लिंक दे रहा हूँ यूट्यूब की, मिलते हैं 5 बजे दूसरा सेशन में, तब तक हमें रजा दीजिए और भी आगे बढ़ाइए, इस ज्ञान को आगे बढ़ाते रहिए, अप्लाई करते रहिए, कहीं गलती हो हमारी भी हो तो हमारा ध्यान पे लाइए, हम भी गलत हो सकते हैं मित्रों, हमको ये परमात्मा तो नहीं है कि पूर्ण होंगे। हाँ जी जी वो सब लालू जी उसकी भी सीड कैसे सब्जियों की तैयार करेंगे उसको भी लेंगे, क्योंकि सीड पर कोई इतना बड़ा सेशन आपको नहीं देगा, सभी का पोषण 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 की बात है, सीड पर कोई ध्यान नहीं दे रहा, रूसी कृषि ग्रुप के सिवा सीड के ऊपर कोई ध्यान नहीं देगा, और मुझे आनंद है कि आप उस ग्रुप के सहभागी हैं, साथ जुड़े हैं और उनका हिस्सा बने हैं। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।